हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग जो हिस्ट्री की सेकंड बुक है हम उसको एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो हमारे फर्स्ट बुक के चार चैप्टर थे उसके एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग का सिर्फ एक चैप्टर हिस्ट्री में रह गया उसके एमसीक्यू बताने के लिए। उसके साथ हम लोग का जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी पे मैं काम कर रही हूँ आजकल, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी वीडियोज मिल जाएंगे और वो बैक टू बैक बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि एक हफ्ते के अंदर जो पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस है वो कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम से बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे, मैंने काम ऑलमोस्ट कर लिया। तो बहुत जल्दी वीडियो आपको कंटिन्यूसली डेली की सीरीज में आपको मिल जाएंगे। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो कह रहा है विच ऑफ दीज वॉज अ पार्ट ऑफ चिश्ती वर्शिप। आप लोगों ने जब इस्लाम वाला टॉपिक पढ़ा होगा इस चैप्टर में, पूरा जो हाफ चैप्टर तो कह इसी पे बेस्ड है, तो उसमें कह रहा है कि विच ऑफ दीज वॉज अ पार्ट ऑफ चिश्ती वर्शिप, डांस, म्यूजिक, कवाली। तो आपने देखा होगा कि ये सभी चीजें जो वहां पे होती है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट कह रहा है कि विच इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म सिलसिला। ये जो सिलसिला है उसका मतलब क्या होता है, एक चेन, बेसिकली एक कड़ी में चलते रहना। और ये सबसे पहले जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उन्होंने बताया था कि एक गुरु और एक शिष्य के बीच में जो सिलसिला है कॉन्टिन्यूसली चलते रहना चाहिए। तो वही कह रहे, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म सिलसिला, तो इसका फर्स्ट आंसर है चेन। कह रहे विच ऑफ दीज वॉज द कैपिटल ऑफ अकबर, यानी कि जब अकबर ने रूल किया तो अकबर ने किस जगह को अपना बेसिकली कैपिटल बनाया, दिल्ली, मुल्तान, लाहौर या फतेहपुर सीकरी। इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी को। कह रहा है कि जो करिकल अम्मेयर है वॉज डिवोटी ऑफ, ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कह रहा है ये जो है किसकी डिवोटी थी, कृष्णा की, रामा की, शिवा की या ब्राह्मण की। तो ये किसकी डिवोटी थी, शिव की डिवोटी थी। आपको पता होगा कि जो अलवार नयनार थे तमिलनाडु के अर्लीस्ट मूवमेंट के, इन्हें एक तरह से उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था, और इनमें जो दो वुमेन्स थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। तो एक का नाम अंडाल था, एक का नाम करिकल अम्मेयर था। ये जो थी बेसिकली जो अनयनवार थी उनके ग्रुप से थी, और ये किसकी डिवोटी थी, शिव की डिवोटी थी। कह रहा है कि व्हाट इज द शरिया, शरिया अभी आप लोगों ने जब अफगानिस्तान पे देखा होगा किस तरह से तालिबानियों ने कब्जा किया, तो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि अब तालिबान को जो रूल होगा वो शरिया के हिसाब से चलाया जाएगा। तो ये शरिया क्या होता है, क्या ये मुस्लिम सूफी सेंट को बोलती है, कह रहा है कि फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान उसको शरिया बोलती है, लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी उसको बोलती है गिविंग अलम। तो इसका आंसर है ये एक कानून है जिसके द्वारा मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको चलाया जाता है। कह रहा है कि विष्णु भक्ता जो है, विष्णु के जो भक्त है उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो इनको जाने जाते थे अलवार के नाम से, याद रखना विष्णु के जो भक्त है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें आपसे दो चीजें जरूर पूछेंगे, एक नयनार जो थे वो शिव के भक्त थे, और जो अलवार थे वो किसके भक्त थे, विष्णु के भक्त थे। तो ये दोनों पूछेंगे आपसे। कह रहा है विच फॉर्म विच ग्रुप चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पॉल्यूशन एट्रीब्यूट टू सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मण। आपको पता है जो कास्टिज्म सिस्टम था वो कहते हैं ब्राह्मणों की खुद की उपज की हुई चीज थी, खुद ही उन्होंने क्रिएट किया था खुद को सुपीरियर शो करने के लिए, और उन्होंने पूरे सोसाइटी को चार कैटेगराइज कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों के अलावा एक उन्होंने और बनाया था जिसे दूषित, पॉल्यूटेड कहा गया, जो जितने भी गंदे काम होते थे जैसे मलबे उठाना, किसी भी जैसे कोई मर गया जिसके आगे पीछे कोई ना हो तो उस डेड बॉडी को किस तरह से ले जाया जाए, उनको बिल्कुल गाँव से बाहर रखा जाता था, शाम के बाद वो निकल नहीं सकते थे, तो इस तरह से उनको बिल्कुल एक पॉल्यूटेड जो उनको दूषित कम्युनिटी कहा गया, ये सब ब्राह्मणों ने किया था। तो इस चीज को किसने चैलेंज किया, किसने इसके खिलाफ आवाज उठाया, तो क्या अलवार्स ने, लिंगायत ने, नयनार्स ने, ये नन ऑफ दीज। इसका आंसर है लिंगायत। अभी हम पढ़ेंगे कि 12th-13th century के अंदर एक कर्नाटका में पर्टिकुलर एक मूवमेंट चला था, वासवन्ना के द्वारा स्टार्ट किया गया था मूवमेंट, और जिसमें बेसिकली जो कास्ट सिस्टम है, जो ब्राह्मण लोगों ने किस तरह से सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ, उस सबको चैलेंज, उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट चलाया था। तो कह रहे लिंगायत वॉर मेजोरिटी बेस्ड इन, अभी मैंने बताया जो लिंगायत है बेसिकली कहाँ से जाते लोग है, कर्नाटका के होते हैं बेसिकली, यहाँ के कर्नाटका एरिया में जो लोग रहते हैं वहां पे मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। अब है कि उल्लमा क्या होता है, क्या डिवोटी ऑफ शिव, शिव के डिवोटी को बुलाता है, विष्णु के डिवोटी को बुलाता है, मुस्लिम सूफी सेंट को बुलाता है, या स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज, तो इसका आंसर है स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज। और ये जो उल्लमा होते हैं इनके, ये जो लोग बेसिकली जो मुस्लिम रूलर होते हैं उनको वो गाइड करते हैं कि कैसे आपको रूल करना है, शरिया को कैसे फॉलो करना है, तो ये इस्लामिक स्कॉलर वो उलमा कहते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग करिकल अम्मेयर, कि करिकल अम्मेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कि शी वॉज डिवोटी ऑफ शिवा, बिल्कुल से शिवा की डिवोटी थी, शी अडॉप्टेड पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेंडिज्म, उन्होंने बहुत ही घोर तपस्या की थी, ही
हर कंपोजिशन वो प्रिजर्व विद द अलवार ट्रेडिशन। देखिए ये नयनार के थे तो अलवार के कंपोजिशन को क्यों प्रिजर्व करेंगे, ये स्टेटमेंट गलत है इसमें से, क्योंकि ये नयनार के थे तो इनके जो ट्रेडिशन है, इनके जो कंपोजिशन है, उन्होंने इसको प्रिजर्व किया था। कह रहा है कि जगम्मा और वंडरिंग मॉन्ग्स बिलोंग टू विच कम्युनिटी, जो घूमते थे जगह जगह उन मॉन्ग्स को किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, इसका भी आंसर है लिंगायत। सच एक बात और ध्यान रखना कि इस चैप्टर जो अपने आप में काफी डिटेल में चैप्टर है, इस चैप्टर को आप लोग एक बार नहीं कम से कम चार बार पढ़ोगे, और अगर आप लोग चाहते हैं इसकी लाइव क्लासेस तो मैंने उसके भी नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो बहुत जल्दी हो सकता है सैटरडे संडे तक इस चैप्टर में पूरा मैं लाइव आकर पढ़ाऊँ। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि इसकी लाइव क्लासेस आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत डिटेल में, इसमें मैंने 30-35 एमसीक्यू तो बना दिए, लेकिन इसके अलावा भी इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें हैं, बहुत कुछ इसमें है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चैप्टर को डिटेल में 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी कहीं से पूछा सकता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस जो हिस्ट्री का ही चैप्टर है उसके लिए हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर करेंगे, फिर आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, थोड़े 15-20 मिनट के लिए हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरह की लाइव क्लासेस के लिए कौन कौन से बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, कि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स अगर उसमें इंटरेस्टेड होंगे उतनी जल्दी ये लाइव क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं विच जनरल टर्म वाज यूज्ड टू रेफर द माइग्रेंट कम्युनिटी, कि माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए कौन सा टर्म यूज किया। यहाँ पे मैं एक चीज बताती हूँ, बेसिकली हम लोग जो भी मुसलमान बोलते हैं या मुस्लिम बोलते हैं, तो आपको पता पहले के कहीं भी कोई भी बुक उठा कर देखो तो इस तरह के वर्ड कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। पहले क्या होता था, जो भी जिस एरिया से आता था, रीजन से आता था, उसको उस एरिया के लोगों के हिसाब से उसका नाम रखा जाता था। जैसे कोई मतलब कि तुर्क से आया तो तुर्किश हो गया, तो यह जी ध्यान रखना, जो अफगानिस्तान से उन्हें शाकाज कहते थे, तो जो बेसिकली टर्म जो माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए यूज किया जाता था उनके लिए कौन सा यूज किया जाता था, मलेच्छा, ये जो वर्ड है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इन चिश्ती खान का अटेम्प्ट टू एसिमिलेट लोकल ट्रेडिशन, लोकल ट्रेडिशन कौन कौन से प्रैक्टिस की जाती थी, बोइंग बिफोर द शेख, शेख के आगे झुकना पड़ता था, जो भी विजिटर्स है उसको पानी ऑफर करना पड़ता था, अपने हेड को शेव कराना पड़ता था, और जो योगिक एक्सरसाइज होते थे ये सब काम करने पड़ते थे, ताकि वो एक सिस्टमेटिकली जो भी वो खानका के अंदर आए हैं या उसके अंदर वो एक सिस्टमेटिकली अपनी जिंदगी को बिता सके। तो ये सारे ही जो प्रैक्टिसेस हैं इसके अंदर खानका चिश्ती में करने पड़ते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संत कबीर इज इनकरेक्ट, इनमें से जो कबीर जी थे उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कबीर यूज टर्म ड्रॉन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन, बिल्कुल सही है। कबीर डिस्क्राइब अल्टीमेट रियलिटी, उन्होंने कहा था अल्लाह खुदा हजरत पीर सभी को एक ही है। मैनी ऑफ द कॉम्पोजिशन फाउंड इन आदि ग्रंथ साहब, ये भी ठीक है। इसमें जो लास्ट है डी वर्सेस एट्रीब्यूट टू कबीर मेंशन द नेम ऑफ टीचर रामानंद, ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि हु लेट द न्यू रिलीजियस मूवमेंट इन कर्नाटका, मैंने बताया था नया एक रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कर्नाटका में, किसके द्वारा किया गया था, एक ब्राह्मण के द्वारा किया गया था, उस ब्राह्मण का नाम क्या था, वासवन्ना, और बाद में इन्हीं के जो फॉलोअर्स थे वो लिंगायत या वीरशैव कहलाए थे। कह रहा है कि नेम द टू वुमेन पोएट सेंट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की दो जो वुमेन पोएट सेंट थी उनको किस नाम से जाना जाता था, क्या मीराबाई और अंडाल, नहीं अंडाल तो ठीक है मीराबाई नहीं है, अंडाल और करिकल, तो ये आंसर ठीक है अंडाल और करिकल। नेक्स्ट कह रहा है डैश इज बेस्ट नोन पोएट ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशन के, भक्ति मूवमेंट के सबसे फेमस वुमेन पोएट कौन थी, अंडाल, करिका, मीराबाई, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर है मीराबाई। इनकी लाइफ भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, राजा से शादी हुई थी लेकिन उन्हें घर बार सब कुछ त्याग दिया था, और जो कृष्ण की भक्ति है उन्हीं को उन्होंने अपना लिया था, और सबसे बड़ी बात इनके जो गुरु थे वो रदास जी थे, जो खुद एक चमार जाति के थे, शेड्यूल कास्ट थे, तो इन्होंने सोसाइटी को टाइम टाइम पर चैलेंज किया, कास्टिज्म को उन्होंने अगेंस्ट दिखाया, किस तरह से उन्होंने शादी की लेकिन जो बेसिकली जो महिलाएं होती है उनके कुछ अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको फॉलो करने से मना कर दिया, तो इन्होंने काफी कुछ नए चैलेंजेस उन्होंने सोसाइटी के लिए दिया था। यानी कि तुलसीदास वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट, जो तुलसीदास थे भक्ति मूवमेंट के काफी प्रोमिनेंट लीडर थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है कि अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट जो है, सबसे पहले जो भक्ति मूवमेंट है किनके द्वारा लेड किया गया था, किन नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर है अलवार और नयनार के द्वारा। ये आपको पता है तमिलनाडु के बहुत ही फेमस ग्रुप थे, इनके द्वारा बहुत ज्यादा भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कह रहा है अलवार जो थे वो किन की पूजा करते थे,
तो अलवार जो थे वो विष्णु की पूजा करते थे। अलवार किन की पूजा करते थे? विष्णु की। और जो नयनार थे वो शिव के भक्त, आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे अलवार का पूछा, आपसे नयनार भी पूछा जा सकता है। नॉन मुस्लिम लोगों को, आपको पता है जहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे उनके अंडर में, उनके एरिया में जितने भी नॉन मुस्लिम लोग होते थे स्टार्टिंग से, चाहे वो ज्यूज हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, उनसे स्पेसिफिक एक टैक्स लिया जाता था। वही मुस्लिम लोग जब इंडिया में आए तो इंडिया के अंदर भी जो भी नॉन मुस्लिम लोग थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, बौद्धिज्म थे, उन सभी लोगों से उन्हें स्पेशल टैक्स वसूल करा और कहा कि भैया तुमको टैक्स दोगे तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन की गारंटी देते हैं। मुसलमानों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोटेक्शन की गारंटी देंगे, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उनको दो ऑफर होता था, या तो आप अपने धर्म को कन्वर्ट कर लो, रिलीजन कन्वर्ट करके आप इस्लाम को कबूल कर दो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करते तो आपको स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स देना पड़ेगा मुस्लिम रूलर को। तो वो उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको जाना था जजिया, आपको पता होगा। हालांकि अकबर ने इस चीज को हटा दिया था, लेकिन उसके बाद उसके पहले जो रूलर आए थे उन्होंने इसको वसूला था। कह रहे कि हु कंपाइल द आदि ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ साहिब किनके द्वारा कंपाइल किया गया? इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव के द्वारा, जिसे गुरबानी भी कहती है। अलवार और नयनार वदब भक्त, ये जो भक्त थे वो बेसिकली भारत के किस स्टेट से बिलोंग करते थे? इसका आंसर है तमिलनाडु से। कह रहे विठाला वॉज अ प्रिंसिपल डीटी इन द विठाला टेम्पल, आपने पढ़ा था विठाला टेम्पल के बारे में। विठाला वॉज नोन एज अ इनक्रिनेशन ऑफ लॉर्ड, किन विठाला जो किस भगवान की थी? बेसिकली तो विष्णु भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। नेम द गुरु ऑफ संत कबीर, संत कबीर के जो गुरु थे यानी किससे इंस्पायर होकर वो भक्ति से जुड़े थे, इनके बारे में देखिए कि क्या आता है कि जिन्होंने मतलब जिन पैदा हुए थे उन्होंने उनको पेरेंट्स उनको छोड़ दिया था, फिर जो वीवर जाते जुलाहा कहते हैं उन्होंने इनको पाला, अभी हिंदू थे मुस्लिम थे आज तक किसी को पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने हिंदू को भी बहुत जो धर्म की जो बुराइयां उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई, जो मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां उनके खिलाफ भी आवाज उठाई। ये हमेशा जो है निर्गुण भक्ति को प्रमोट करते थे, सगुण भक्ति मूर्ति पूजा के काफी ये विरोधी थे, तो इनके धर्म के बारे में इनके जाति के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन ये जो भक्ति की तरफ जो इंस्पायर हुए वो किससे इंस्पायर हुए? तो कहते जो रामानंद जी थे इनसे इंस्पायर होकर उन्होंने भक्ति बेसिकली मूवमेंट से भक्ति से ये जुड़े थे। कह रहा है कि हु एस्टैब्लिश खालसा पंथ, खालसा पंथ को किसने फाउंड किया, किसने एस्टैब्लिश किया? इसका आंसर है गुरु गोविंद देव जी ने। नेक्स्ट है कि हु कंपोज द बीजक, बीजक किनके द्वारा कंपोज किया गया? तो इसका आंसर है कबीर के द्वारा, कबीर के बीजक कहते हैं ना। और ये जो है बेसिकली जो वाराणसी उत्तर प्रदेश है उनकी जो ग्रंथ है वहां पे रखे गए। दादू पंथी राजस्थान की फैमिली से बिलोंग करते, तो कबीर जी के बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे फॉलोवर्स, अलग अलग जगह पे उनके जो ग्रंथ है उनको रखा गया। कहते कबीर इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन कहते मरने के बाद जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने जो भी ओरल मैसेज दिया, लोगों को उपदेश दिया, उसी को बाद में कंपाइल किया गया। नेक्स्ट है कि डैश वॉज द गुरु ऑफ मीराबाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मीराबाई के जो गुरु थे वो किसी ब्राह्मण या किसी अच्छी उच्च जाति से बिलोंग नहीं करते थे। मैंने कहा ना शेड्यूल कास्ट से चमार जाति से बिलोंग करते थे, जिसने सोसाइटी में एक बहुत बड़ा उस टाइम पे मतलब विद्रोह भी स्टार्ट हो गया था कि किस तरह पहले जो गुरु होते थे उनको बेसिकली ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, ये एक मतलब धर्म के नाम पे ये चीजें चल रही थी उस टाइम पे। तो उनका नाम है संत रैदास, जिसको कभी कभी रविदास के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना अगर आपको रैदास की जगह रविदास भी आ गया तो भी उनको रैदास को ही रविदास के नाम से भी जाना जाते थे। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने तो रैदास बताया था पर आंसर में तो रविदास था, तो एक ही बात आप कंफ्यूज नहीं होना है। मुस्लिम रूलर गाइडेड बाय, जो मुस्लिम रूलर को गाइड कौन करता था? उनको गाइड करते थे उलमा। मैंने पता नहीं मुस्लिम स्कॉलर होते हैं जिनको, और वो गाइड करते बताते कैसे शरिया के हिसाब से मुस्लिम रूलर को चलना है। तो ये कह रहे कि बाबा गुरु नानक साहिब ने अपॉइंट किया था अपने डिसाइपल को, यानी कि डिसाइपल मतलब अपने शिष्य को जो बाद में उनके बाद वो गुरु बने थे, तो वो कौन थे? उनके शिष्य अंगद, ये आपको याद रखना, अंगद उनके शिष्य थे और उन्होंने लगभग 200 साल तक उनकी वो चली थी। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमने बात किया पूरा जो 6 चैप्टर है भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में हमने बात किया, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें 30 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत और क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया इस चैप्टर को मैं आप लोग 1.5 घंटे की लाइव क्लासेस लेके बहुत डिटेल में अच्छे से मैं आप लोगों को थोड़ा पढ़ाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी बच्चे इस लाइव क्लासेस को इंटरेस्टेड है लेने में लेना चाहते हैं कि मैम और इसमें एमसीक्यूज बताएं और इंपॉर्टेंट चीजें बताएं, चैप्टर को ठीक से समझाएं, डिटेल में समझाएं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने बताया जितने जल्द ज्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे उतनी ही जल्दी आपको ये लाइव क्लासेस मिल जाएगी, बट मैं कोशिश करूंगी इस वीक के एंड तक आपको ये लाइव क्लासेस मिल जाए। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स को मैं कॉल आउट कहना चाहूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत करो, आजकल मैं आपको बैक टू बैक लगातार सारी वीडियोस मिल जाएगी और एक हफ्ते में कोशिश होगा कि सारा जो सिलेबस है आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।